हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। तो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी, एंड ये सीरीज बिगिनर्स की हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डू वाइल लूप। तो जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको वाइल लूप एक्सप्लेन किया था विद सिंटेक्स एंड दीज प्रोग्राम्स। सिमिलरली इस वीडियो में हम डू वाइल लूप का सिंटेक्स, देन उसका प्रोसेस, फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है। कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, एंड फिर ये एक प्रोग्राम है जो कि हम डू वाइल के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद, या आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले सिंटेक्स की बात करेंगे कि बेसिकली सिंटेक्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम वाइल लूप का सिंटेक्स देखें तो वाइल लूप का सिंटेक्स होता है इनिशियलाइजेशन, देन वाइल कंडीशन, देन जो भी स्टेटमेंट्स हमें रिपीट करना है वो, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब अगर डू वाइल की बात करें तो डू वाइल के केस में क्या होता है कि आपको इनिशियलाइज तो पहले ही करना है, ठीक है। फिर डू कीवर्ड यूज करेंगे, कर्ली बेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करना है वो, देन जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है वो, एंड कर्ली बेस जस्ट क्लोज करते टाइम आप वाइल के साथ क्या लिखते हैं, कंडीशन, एंड देन सेमीकोलन। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है फिर एंट्री मिलती है, डू वाइल में पहले एंट्री मिल जाती है, लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड फिर लास्ट में कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो लूप सेकेंड टाइम रिपीट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों के सिंटेक्स का डिफरेंस है। तो पहले एक छोटा सा प्रोग्राम में बना के बता देता हूँ और फिर हम थियोरेटिकली इनका जो डिफरेंस है वो देखेंगे। तो तब तक मैं इसको नोटपैड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये आगे के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अब अगर एक एग्जांपल देखें तो डू वाइल कैसे काम करेगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड किया। सो ये हेडर फाइल इंक्लूड किया, देन मेन फंक्शन। अब मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई, उसके बाद डू, देन पहले इनिशियलाइज भी कर लेते हैं आई इक्वल्स टू 1, देन printf के अंदर जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो चीज़ मेंशन करेंगे। तो मैंने i को डिस्प्ले करना है तो printf में वो लिखा, फिर i को प्लस प्लस किया, एंड लास्टली कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये वाइल का एग्जांपल हुआ। अगर इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, बट लेट से मैंने यहाँ कंडीशन कर दिया 0, i लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स है, आई 1 है, 1 0 के ना तो इक्वल होता है ना लेस होता है, बट फिर भी ये प्रोग्राम एक आउटपुट शो कर देगा, दैट इज 1। तो ये बेसिकली वाइल लूप का ड्रॉबैक है, और आप कह सकते हैं यही इसका एडवांटेज भी है कि जब आपको पहले से पता है कि मुझे प्रोसेस कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, और जो सेकेंड टाइम रिपीटेशन होगा वो कंडीशन टेस्टिंग पर डिपेंड करेगा, तो उस सिचुएशन में तो आप डू वाइल प्रेफर करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, तो देखो यहाँ नीचे एग्जांपल लिखा है, कैलकुलेट सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, आस्क एवरी टाइम बिफोर रीडिंग अ नंबर फ्रॉम यूजर, डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एक नंबर एंटर किया, वो ऐड हो गया। तो कभी भी कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो एक बार तो यूजर उसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, मतलब यूजर एक नंबर तो ऐड करेगा ही करेगा। उसके बाद जो नंबर्स हैं वो अगर ऐड करवाने हैं तो आप यूजर से पूछोगे डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, अगर वो बोलता है यस तो नंबर ऐड होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी ऐसे सिनेरियोज आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एटीएम मशीन की बात करें, एटीएम मशीन में सपोज आपने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया, और एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपसे स्क्रीन वापस पूछे डू यू वांट टू डू वन मोर ट्रांजेक्शन, और आप बोले यस, और वो फिर से रिपीट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार कार्ड स्वाइप करके पिन नंबर एंटर नहीं करना पड़ेगा, वो काम एक ही बार करना पड़ेगा। या फिर कोई और प्रोसेस, जैसे आप टिकट बुक करा रहे हैं, आपने एक टिकट बुक कर दिया, फिर आपसे पूछे डू यू वांट टू बुक मोर टिकट्स, तो आप क्या करेंगे, विदाउट आप लॉग इन किए आप एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टिकट्स बुक कर पाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो डू व्हाइल के थ्रू मैनेज हो सकती है कि हम एक बार तो लूप चलाना ही चाहते हैं, दूसरी बार जो लूप का रोटेशन है वो डिपेंड करेगा यूजर की चॉइस। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ डिफरेंसेस और लिख लेते हैं। तो while is top tested loop, whereas do while is bottom tested loop। तो ये इनका पहला डिफरेंस हुआ। while is entry control loop, whereas do while is exit control loop। ठीक है, तो वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है फिर एंट्री मिलती है, डू वाइल में पहले एंट्री मिल जाती है फिर एग्जिट पर कंडीशन चेक होती है। एंड थर्ड इज इफ फर्स्ट टाइम कंडीशन इज फॉल्स इन केस ऑफ वाइल देन लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, वेयर एज इन केस ऑफ while if first time condition is false then also it will execute at least once, क्योंकि पहली बार कंडीशन चेक ही नहीं होती। तो डू वाइल एक बार तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होना ही नहीं होना वो कंडीशन टेस्टिंग पर डिपेंड करेगा। तो आई होप कि ये थियोरेटिकल जो मैंने स्टेटमेंट मेंशन किए वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे। अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक नंबर लिया, देन एक वेरिएबल ले लिया चॉइस, फिर डू, इसमें लिखा printf, एंटर अ नंबर, उस नंबर को स्कैन किया और n वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि वो नंबर तो ऐड हो, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इनिशियलाइज हो गई वैल्यूज, डू के अंदर हमने यूजर से इनपुट लिया उसको ऐड करा दिया। अब अगली बार लूप चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड करेगा यूजर की चॉइस पर। तो हम लिखते हैं डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, ठीक है, printf बैकस्लैश n, press 1 for yes, 2 for no, scanf % d and % ch। ठीक है, तो अगर yes करना है तो 1 प्रेस करो, no करना है तो 0, वो ch में आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे while ch डबल इक्वल्स टू 1, तो जब ch की वैल्यू 1 है तो लूप रिपीट हो जाएगा, अदरवाइज टर्मिनेट। एंड पूरा लूप फिनिश होने के बाद ये जो डू वाइल है ये कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा जब यूजर 0 एंटर कर देगा। तो अब हमें सम को शो कराना है, तो सम इक्वल्स टू % d एंड सम। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है जो डू वाइल के थ्रू इंप्लीमेंट किया। एक बार चलेगा चलेगा, एक नंबर इनपुट करके ऐड होगा, उसके बाद डिपेंड करेगा यूजर की चॉइस पर। तो ये मैंने किया कंपाइल और रन, तो मैंने पहला नंबर एंटर कर दिया 5। देखो अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, तो अगर मैं बोलता हूँ 1 तो मुझे एक और नंबर एंटर करना है, तो मैंने एंटर किया 10। फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अनदर नंबर, फिर मैंने एंटर किया 1, तो अब मैंने डाल दिया 20। तो मैंने 3 नंबर इनपुट किए 5, 10 और 20, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 35। तो अब मैं डाल रहा हूँ 0, देखो सम इक्वल्स टू 35। तो पहली बार इसने नहीं पूछा, पहली बार नंबर डालना ही पड़ेगा, उसके बाद आपसे हर बार पूछ रहा है कि नंबर एंटर करोगे तो एडिशन हो जाएगा, अदरवाइज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स डू वाइल लूप काम करता है। तो हम इसको बहुत रेयर प्लेसेस पे यूज करते हैं जहां पर हमें कैलकुलेशन को एक बार रन करना ही करना है और दूसरी तीसरी बार वो यूजर की चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको डू वाइल और वाइल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डू वाइल का रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाइल लूप के बारे में बताया था, और जो अगला वीडियो आप देखेंगे उसमें हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स की, जिसमें मैं आपको स्टार वाले पैटर्न्स कैसे प्रिंट होते हैं वो चीज़ बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा लूप्स यूज करेंगे, तो उसको देखना ना भूलें। और पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करें। एंड आई होप कि आप वीडियो सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, तो सारे वीडियोस देखिएगा ताकि आप बिगिनर हैं और आपको हर चीज सी से रिलेटेड समझ में आए। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।